रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पूरी कोफ्ते की रेसिपी शेयर करती हूँ। हमने ये चिकन का कीमा ले लिया, इस तरह से हमने प्याज चॉप कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, हमने उनको भी चॉप कर लिया था। धनिया कट किया हुआ डालेंगे इसमें, 2 टेबलस्पून इसमें हम भुने हुए चने डालेंगे जो हमने इसको पीस लिया, 1 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम हल्का सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे और इसकी हम शेप बना लेंगे। इस तरह से हमने शेप बना लेनी है। इसे हमने ये सबकी शेप बना ली है। अब इसको हम कवर करके साइड पे रख देते हैं और हम इसका मसाला रेडी करते हैं। हमने एक पैन ले लिया, इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम प्याज डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे प्याज को। हो गया, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ी सी इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से पका लिया, अब इसमें हम आलू डालेंगे, शक्कर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट हम अच्छे से आलू की भुनाई कर लेंगे। हमने अच्छे से आलू की भुनाई कर ली है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर आलू को कवर करके पकने देंगे। आलू पक चुके हैं, अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। हमने इसमें डाल दिए, इसको हमने हिलाना बिल्कुल नहीं है, कवर करके कोफ्तों को अच्छे से पकने देना है। एकदम पूरे कोफ्ते रेडी हो गए। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े की बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।